तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि दोस्तों वीडियो बनाने के लिए और बनाने का समय मैं भूल गया था। तो उसके बाद मन में जो चल रहा है कि चलिए मैं इसका जो प्रॉब्लम मिला है और जिस प्रॉब्लम रिपेयर करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ये आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों ये चैसिस को अच्छा करके आप देखिए। तो दोस्तों ये LG का ओरिजिनल चैसिस है, मार्केट के अंदर बहुत LG TV के अंदर ये चैसिस आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऊपर से आप अच्छा करके देखिए, बट इतना कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ये जो चैसिस है इसका मेन प्रोसेसर IC आपको एक बार दिखाता हूँ। तो ये मेन प्रोसेसर IC नंबर भी आप देख सकते हो, ठीक है, TDA9340PS/N3/A/1923, ठीक है, ये मेन प्रोसेसर IC है। और इतना कुछ दिखाने का ज़रूरत नहीं है, मेन इसका जो प्रॉब्लम आपको ये चैसिस के अंदर दिखाऊंगा कि ये जो चैसिस का पावर सप्लाई है ये STR पावर सप्लाई है। तो STR नंबर भी आप देख सकते हो, STR का ऊपर ही लिखा है W6554A, ठीक है। तो दोस्तों ये न्यू STR है W6554A। तो ये जो STR मैं ये अभी चेंज किया, ठीक है, W6554A। तो ये जो प्रॉब्लम एक्चुअली ये TV कभी कभी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है, ये इसका मेन प्रॉब्लम है। तो जब ऑन हो जाता है इसका ESD भी बन जाता है, TV भी चालू हो जाता है, पिक्चर साउंड सब कुछ आ जाता है। और जिस टाइम स्टॉप हो जाता है तो उसी कंडीशन पर जो दिखा जाता है कि सप्लाई देने का साथ साथ इंडिकेटर एक बार ऑन हो जाता है, ऑन होने के बाद तुरंत स्टॉप हो जाता है। और ये पावर सेक्शन से इसका जो चॉपर है, चॉपर का आउटपुट साइड कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो यही इसका सिम्टम है। और चलिए मैं उल्टा करके आपको एक बार दिखाता हूँ कि जब मैं पावर का वोल्टेज में चेक किया तो कंडेंसर पर भी वोल्टेज मिलता है, STR का सप्लाई पिन पर भी वोल्टेज मिलता है, बट इसका आउटपुट वोल्टेज कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा था। तो यही इसका मेन फॉल्ट है। तो वोल्टेज चेक करने के बाद बहुत कुछ मैं आपको थोड़ा सा, चलिए मैं PCB उल्टा करके बताता हूँ कि देखिए ये चैसिस नंबर भी आप देखिए। तो दोस्तों अलग सा चैसिस भी हो सकता है, ठीक है, MC19D, ठीक है, ये चैसिस नंबर अलग चैसिस भी हो सकता है। बट दोस्तों ये जो पावर सप्लाई है STR पावर सप्लाई, ठीक है। तो वोल्टेज चेक करने के बाद जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा इस तरह प्रॉब्लम कि TV कभी कभी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है, हो सकता है एक दिन दो दिन TV ओके चलता है और अचानक TV बंद हो गया, इस तरह प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो फर्स्ट आपको टारगेट करना पड़ेगा कि STR खुद फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए STR को मैं चेंज किया। और उसके बाद मैं जब वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज चेक करने के बाद आपको जब पता चला कि दोस्तों ये जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन के अंदर एक फीडबैक वोल्टेज आता है। तो फीडबैक वोल्टेज कहाँ से आता है, देखिए ये जो मेन लाइन है, सप्लाई लाइन, ठीक है, ये जो मेन सप्लाई लाइन, यहाँ से एक डायोड इधर है, ठीक है, ये जो डायोड है, डायोड के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और इसी का ये लाइन से और एक भी एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों ये दो सीरीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस है। और यहाँ से जो बीच में एक जम्पर है, जम्पर के बाद ये सप्लाई डायरेक्ट ये STR का 1, 2, 3 नंबर पिन पर आता है। तो ये जो एक जो फीडबैक सप्लाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सप्लाई बीच में आरएक जम्पर है, जम्पर के बाद ये जो लाइन जा रहा है ये बीच में आरएक सा रेजिस्टेंस होने के बाद ये ऑप्टो कपलर पर आता है। तो दोस्तों मतलब सप्लाई देने का बाद साथ साथ वो सप्लाई यहाँ पर आना चाहिए, कितना वोल्ट ये भी आपको बताऊँगा। इसका प्रॉब्लम क्या मिला कि ये सप्लाई यहाँ पर वोल्टेज अप डाउन मिला, ठीक है, अप डाउन मिला, थोड़ा सा वोल्टेज अप डाउन मिला। और ये जो सप्लाई लाइन, ये जो रेजिस्ट जम्पर है, ये जम्पर का पास भी वोल्टेज अप डाउन मिला, थोड़ा सा वोल्टेज अप डाउन मिला, जो देखने को मीटर में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसका जो मेन रीजन मिला, ठीक है, ये जो सप्लाई लाइन का अंदर एक डायोड है, ये डायोड का नंबर है 159, ठीक है, 159, ये डायोड चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट दोस्तों फर्स्ट ये STR को मैं चेंज किया, STR प्रॉब्लम से भी हो सकता है। तो बहुत ही ये सीक्रेट और इम्पोर्टेंट फॉल्ट है। तो दोस्तों ये सप्लाई इधर नहीं आएगा तो मान लो डायोड पूरा शॉर्ट हो गया, हो सकता है डायोड ओपन हो गया, हो सकता है ये लाइन के अंदर दो रेजिस्टेंस है, कुछ भी रेजिस्टेंस ओपन हो गया, ठीक है, ओपन होने का रीजन से ये सप्लाई ये सर्किट पर नहीं आएगा तो ये मेन फिल्टर कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर हो जाता है, ठीक है, 300 वोल्ट का ऊपर वोल्टेज स्टोर हो जाता है, ये सबसे बड़ा सिम्टम है। और तो दोस्तों मान लो TV ऑन नहीं हो रहा है तो पावर सेक्शन का कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो जाएगा तो तब भी सप्लाई ऑफ करने का बाद
मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर हो जाता है। और एलजी चैसिस का अंदर ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये ईएसटी काम नहीं करेगा, तो तब भी ये पावर जो कैपेसिटर का अंदर वोल्टेज स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अभी दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी टीवी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पावर इंडिकेटर ऑन ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है, तो ये जो सिम्टम है तो कौन कौन पार्ट्स प्रॉब्लम से हो सकता है, तो चलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ कि फर्स्ट एसटीआर से भी हो सकता है। मैं एसटीआर को फर्स्ट चेंज किया, उसके बाद नहीं हुआ, तो मैं एट ए टाइम इसका जो जो पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है सभी पार्ट्स को मैं चेंज कर दिया। कौन कौन पार्ट्स को चेंज किया, ये डायोड को चेंज किया। तो दोस्तों ये सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसका बाद ये जो ऑप्टोकपलर है, ऑप्टोकपलर का ये पिन पर जो सप्लाई आता है मेनली ये जो डायोड है, ये डायोड से बीच में दो रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस। तो दोस्तों 47K, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 47K, 1 वाट और हाफ वाट भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 47K दो रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस है। वोल्टेज भी आपको चेक करके देखाऊंगा, बीच में जम्पर है, बीच में जम्पर है और ये लाइन जो जा रहा है ऑप्टोकपलर का ये पिन। तो दोस्तों ऑप्टोकपलर का जो ये साइड पिन है, तो ये पिन का अंदर एक डायोड का निशान आप देखिए, ठीक है। तो दोस्तों बहुत पीसीबी का अंदर यहाँ पर डायोड देखने को नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस होगा तो 5.6K वैल्यू का एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। और दोस्तों डायोड होगा तो यहाँ पर 8 पॉइंट डायोड यूज़ कर सकते हो आप। मैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ओपन करके एक डायोड लगाया 8.2 वोल्टेज वैल्यू का जिनर डायोड यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर ये साइड पॉजिटिव है, ठीक है। और क्या कि ये जो सप्लाई आपको बताया बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये जो सप्लाई जा रहा है बीच में एक फिल्टर कैपेसिटर है, ठीक है, 22 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर, ये भी मैं चेंज कर दिया क्योंकि कैपेसिटर वीक प्रॉब्लम से ये वोल्टेज लाइन फॉल्ट हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर आर एक कैपेसिटर है जो ये नेगेटिव का साथ, ये जो एसटीआर का 1, 2, 3, 4 नंबर पिन का साथ जो कैपेसिटर है, ठीक है, 0.047 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर को मैं चेंज कर दिया, मतलब ये एट ए टाइम ये सब पार्ट्स को चेंज कर दिया, करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। एक्चुअली यही पार्ट्स प्रॉब्लम होता है। और ये जो जेनर डायोड है, ये जेनर डायोड बहुत पीसीबी के अंदर देखा जाता है, कुछ पीसीबी के अंदर क्या बात है कि 5.6K का रेजिस्टेंस देखा जाता है। ये पोजीशन आप देखिए और ये डायोड का पोजीशन भी आप देखिए। चलिए मैं उल्टा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो जेनर डायोड है, मैं यहाँ पर जेनर डायोड लगाया, ये हीट सिंक का अंदर है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी देखा जाता है, बट दोस्तों जेनर डायोड का निशान है, ये डायोड है, बहुत ही सीक्रेट फॉल्ट है। और ये जो डायोड है, तो दोस्तों ये 159 का डायोड है जो सप्लाई ये दो रेजिस्टेंस होने का बाद, ठीक है, ऑप्टोकपलर का एक पिन पर जाता है, एसटीआर पिन पर भी जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर चेंज किया, देखिए ये एक कैपेसिटर चेंज किया, न्यू कैपेसिटर लगाया, 22 माइक्रोफेराड था, मैं 47 माइक्रोफेराड लगाया। और ये कैपेसिटर यहाँ पर 0.47 माइक्रोफेराड 50 वोल्ट था, मैं 1 माइक्रोफेराड लगाया, ठीक है, ये कैपेसिटर। तो चलिए एक बार आपको वोल्टेज चेक करके एक बार देखूंगा, ठीक है। तो कोई थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए एक बार सप्लाई दे के देखता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और टीवी अभी चालू है कि नहीं है ये भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो बहुत लॉन्ग टाइम मैं ऑफ करके रखा हूँ, देखिए दोस्तों टीवी अभी ऑन हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम और नहीं होगा, ठीक है, इतना पार्ट्स चेंज करने का बाद। मैं एट ए टाइम इसका जो रीजन हो सकता है, अलग अलग रीजन हो सकता है, ये कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट से हो सकता है, तो एट ए टाइम ये सब मैं चेंज ही कर दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप नोट करके रख सकते हो कि ये प्रॉब्लम का बजाय, तो दोस्तों ये सब पार्ट्स प्रॉब्लम का बजाय, टीवी कभी कभी ऑन होगा, कभी कभी ऑन नहीं होगा। तो मन में लगा कि लूज कॉन्टैक्ट है, तो अब जितना बार लूज कॉन्टैक्ट ये सोल्डरिंग करोगे तो उसका बाद हो सकता है कभी ऑन हो गया, फिर भी दोबारा ऑफ हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो अभी टीवी चालू है, तो इसी टाइम आपको वोल्टेज जो देखाऊंगा, मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, क्योंकि मीटर को स्टैंड पर रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि हॉट सेक्शन का वोल्टेज चेक करने के लिए आपको हॉट सेक्शन का अंदर का जो नेगेटिव है वहाँ पर आपको मीटर का नेगेटिव को रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो ये हॉट सेक्शन है,
तो हॉट सेक्शन का नेगेटिव, ये कैपेसिटर का एक नेगेटिव है, ठीक है। हो सकता है ये जो पॉइंट है ये भी हॉट सेक्शन का नेगेटिव है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको देखाऊंगा कि ये डायोड पर कितना वोल्ट आता है। ये डायोड पर देखिए 119 वोल्ट, ये 120 वोल्ट के आसपास यहाँ पर मिलता है। उसके बाद बीच में जो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद 67 वोल्ट, ठीक है। और उसका बाद जो आर एक्स सीरीज रेजिस्टेंस है ये पॉइंट पर 16.8 वोल्ट, मतलब 16 से 18 वोल्ट का अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी देखिए ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज है, कुछ भी वोल्टेज अप डाउन नहीं है। तो ये लाइन अप डाउन फर्स्ट टाइम मिला, ठीक है। तो अभी ये अप डाउन नहीं है, तो ये जो वोल्टेज जाता है ये देखिए ये एसटीआर का। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 चार नंबर पिन पर, ठीक है, ये जो एसटीआर का चार नंबर पिन, ठीक है। और ये सप्लाई जम्पर होने के बाद ये ऑप्टो कपलर पर जाता है, देखिए ऑप्टो कपलर पर ये वोल्ट है। और ऑप्टो कपलर का जो ये साइड राइट साइड यहाँ पर जो वोल्टेज देखिए 9.8 वोल्ट। बट दोस्तों फर्स्ट टाइम यहाँ पर 8.2 वोल्ट देखा जिस टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस था, मैं एक डायोड लगाया, ठीक है, 9.6 वोल्ट। तो ये इम्पोर्टेंट वोल्ट है। और यहाँ पर देखिए जो चॉपर का ये ऊपर ऊपर का जो पिन है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद दो डायोड है, ठीक है। दो डायोड का ये जो नीचे वाला डायोड है यहाँ पर कितना वोल्ट है देखिए, यहाँ पर 16 वोल्ट है। मतलब ये जो डायोड है यहाँ पर वोल्टेज ये डायोड से ही आता है और यहाँ से एक स्टिकरिंग वोल्टेज यहाँ पर आता है। पर दोस्तों ये जो ऊपर का जो डायोड है ये डायोड पर वोल्टेज फैक्चुरेट देखने को मिलेगा, देखिए 1.8 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, ठीक है। ये देखिए ऊपर का डायोड फैक्चुरेट वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यही इंपॉर्टेंट आपको वोल्टेज शेयर किया और क्या बताऊँगा। तो चलिए एसटीआर वोल्टेज भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि एक नंबर पिन तो फैक्चुरेट वोल्ट होगा, दो नंबर पिन दोस्तों इसका नेगेटिव, तीन नंबर पिन वोल्टेज आपको बताया देखिए 16-17 वोल्ट के आसपास, चार नंबर पिन दोस्तों ये चार नंबर पिन पर हल्का सा वोल्टेज देखने को मिलेगा देखिए 3.8 वोल्ट के आसपास। और उसके बाद पाँच नंबर पिन, तो दोस्तों ये पाँच नंबर पिन से जो वोल्टेज 1.8 वोल्ट देखिए बीच में डायोड है और ये ऑप्टो कपलर पिन पर जाता है, ठीक है। पाँच नंबर 1 2 3 4 5 और सिक्स नंबर पिन, ठीक है, सिक्स नंबर पिन पर पॉइंट, तो दोस्तों देखिए हल्का सा पॉइंट वोल्ट देखा जाता है, 0.1 इसी तरह हल्का सा वोल्ट, 0.12 कभी 0 वोल्ट भी आप बोल सकते हो देखिए। तो चलिए कोई बात नहीं, और ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया तो आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल आज करने के लिए।